कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से चने के सरसों के बाजार से आ रही है, खाद्य तेल के मार्केट से आ रही है। उत्पादन घटने का अनुमान सरसों के बाजार में नजर आ रहा है। 5 लाख से अधिक उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है, वो घटने की संभावनाएं नजर आ रही है। उद्योग ने सरसों के आरंभिक अनुमान में 5 लाख टन की कटौती करके चालू रबी सीजन में 115.8 लाख टन उसका उत्पादन होने का अनुमान जारी किया है, जबकि मार्च में इसका उत्पादन 120.9 लाख टन का उत्पादन का अनुमान जारी किया गया था। सॉल्वेंट एक्सट्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA के अनुसार मई 2024 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अंतिम दौर के आधार पर रेप सीड सरसों की फसल का मार्च 2024 के 120.9 लाख टन के पिछले अनुमान से घटाकर 115.8 लाख टन खुलासा कर दिया गया, क्योंकि देश के कई राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अलनीनो के कारण फसल को प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ रहा था। अंत में फसल की पकाई के समय मौसम गर्म होने के साथ ही मिट्टी की नमी की कमी के कारण सरसों में फसल उत्पादकता पर भी इसका असर देखा गया। SEA के अनुसार, SEA के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार हरियाणा में सरसों का उत्पादन 11,68,320 टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि मार्च 2024 में 12,26,043 टन सरसों का उत्पादन का अनुमान जारी किया गया है। इस तरह मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन घटकर 16,03,045 टन का होने का अनुमान है, जबकि राज्य मार्च में 2024 में 17,58,966 टन सरसों का उत्पादन अनुमान जारी किया गया था। दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार उत्पादक राज्यों जैसे राजस्थान में 45,34,192 टन का अनुमान है, मार्च 2024 में 46,13,506 टन का अनुमान नजर आ रहा है, और पश्चिमी बंगाल जैसे जो यहाँ राज्य है यहाँ पर उत्पादन 7,09,472 टन, असम में 2,06,360 टन, छत्तीसगढ़ में 1,11,192 टन, गुजरात में इस तरह से 4,57,313 टन इसका उत्पादन होने का अनुमान नजर आ रहा है। रिमोट सेंसिंग आधारित अनुमान के अनुसार चालू रबी रेप सीड में सरसों का रकबा पिछले वर्ष 95,80,000 हेक्टेयर से 5% बढ़कर 100,60,000 हेक्टेयर के आसपास का देखा गया। रेप सीड और सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो बाजारों में उत्पादन बढ़ गया है, 115.78 लाख होने का इसका अनुमान नजर आ रहा है। तो प्रोडक्शन अगर घटता है, सरसों सीड का जो प्रोडक्शन है वो घटने का जो अनुमान नजर आ रहा है, 5 लाख टन से अधिक इसकी गिरावट की आशंकाएं नजर आ रही है, तो इसका असर आपको कीमतों पर देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन घटने की वजह से सरसों कीमतों में आने वाले टाइम में आपको यहाँ से बाजारों में तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।